ईरानी, और आज अभी तो को रूम थिएटर के इस कार्यक्रम में आप सबका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करती हूँ। आज का यह कार्यक्रम हमने डॉक्टर नरेंद्र मोहन के नाट्य कर्म पर आयोजित किया है। आप सभी जानते हैं कि 11 मई को डॉक्टर नरेंद्र मोहन शारीरिक रूप से हम सबका साथ छोड़ करके चले गए, लेकिन डॉक्टर नरेंद्र मोहन अपने कर्म से, अपने रचना संसार से, अपने वृहत रचना संसार से हम सबके साथ हैं। डॉक्टर नरेंद्र मोहन ने नाटक लिखे हैं, कहानियां लिखे हैं, आलोचनाएं लिखी हैं, लंबी कविताओं को लिखने की उनकी सुदीर्घ परंपरा रही है। डॉक्टर नरेंद्र मोहन के साथ साथ ये इस पेंडेमिक का ऐसा असर है और ऐसा समय है कि न जाने कितने लोग हमसे बिछुड़ते जा रहे हैं, और इन सभी के प्रति हम उतने ही संवेदित हैं, उतने ही दुखी हैं। वसंत काशीकर जी हमें छोड़ के चले गए, चित्रा सिंह जी चली गई, रमेश उपाध्याय जी चले गए, अभी लाल बहादुर वर्मा जी चले गए। मतलब किसी भी दिन आप खोलें फेसबुक या कोई भी सोशल मीडिया या ऐसे भी, आपको चारों तरफ इस तरह के मंजर नजर आएंगे। मन बहुत टूटता है, हिम्मत बहुत हारती है, लेकिन इसके साथ साथ दूसरा संदेश मन में यह भी आता है कि किसी भी तरह से हमें अपने आप को आगे लेकर के चलना है, उनके लिए भी जो हमें छोड़कर चले गए हैं, ताकि हम उनकी चीजों को, उनके लिखे हुए को, उनके किए हुए को याद करते रहें और प्रेरित होते रहें, और उनके साथ भी रहना है जो इस तरह के, इस महामारी से अवसादग्रस्त हो रहे हैं, दुखी हो रहे हैं, निराश हो रहे हैं। हमारा मंच यह इस कार्यक्रम के माध्यम से और इस तरह के कार्यक्रमों के माध्यम से एक ऐसा वातावरण निर्माण करने की कोशिश कर रहा है जहां आप आए, हमारी सुने, अपनी कहें और अपने आप को अपने भीतर हिम्मत का संचार करते रहें, क्योंकि उम्मीदों का कभी न छोड़ें खेत। उम्मीद है तो उम्मीद पर दुनिया कायम है। इसीलिए आज के इस कार्यक्रम का नाम हमने रखा है मंच उजाले में। डॉक्टर नरेंद्र मोहन का नाटक है मंच अंधेरे में, उनके ही इस नाटक से प्रेरित होकर के मैंने इस कार्यक्रम का नाम रखा है मंच उजाले में, क्योंकि उन्होंने अपने नाट्य लेखन से हम सब के रंग मंच को उजालों से भर दिया है। आज के इस कार्यक्रम में हमारे साथ बात करने के लिए हमारे जो भी पैनलिस्ट हैं, मैं उनका आप से परिचय कराती हूँ। मैं आपके सामने आमंत्रित करती हूँ डॉक्टर प्रताप सहगल को। डॉक्टर प्रताप सहगल लेखक हैं, नाटककार हैं, आलोचक हैं, व्यंग्यकार हैं, कवि हैं, और सबसे ऊपर बहुत ही अधिक संवेदनशील व्यक्ति हैं, और उससे भी अधिक बहुत ही ज्यादा हम कहें कि आज के समय में हिम्मती हैं, और उनकी ये हिम्मत का असर है कि डॉक्टर प्रताप जी आज हमारे साथ हैं। ये खुद अभी अभी कोरोना से पॉजिटिव से नेगेटिव होकर के आए हैं। एक यही ऐसा फील है जहां नेगेटिव होना हमें बड़ा अच्छा लगता है, और डॉक्टर साहब आए हैं और साथ साथ आ रहे हैं और लगातार हम लोगों के साथ जुड़ करके लाइव कार्यक्रम कर रहे हैं। डॉक्टर साहब आपका बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन। मैं अब आमंत्रित कर रही हूँ सुमन पंडित को। सुमन पंडित, आप सबसे मैं बताऊं कि वो खुशकिस्मत बिटिया हैं जिनके पिता का नाम डॉक्टर नरेंद्र मोहन है, और सुमन जी अपने अपने पिता की यादों के साथ आज हम सबके साथ हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन। सुमन जी हमारे साथ मंच से जुड़ी हुई हैं डॉक्टर वसुधा सहस्त्रबुद्धे, मुंबई में हैं और सक्रिय रचनाकार हैं, लगातार काम करती रही हैं। डॉक्टर शंकर शेष पर इनका रिसर्च वर्क रहा है, नाटकों से लगातार जुड़ी रही हैं, और डॉक्टर नरेंद्र मोहन के साथ इनका जुड़ाव बहुत समय से रहा है और बहुत रचनागत तरीके से रहा है। मैं सबसे पहले डॉक्टर प्रताप सहगल के पास आना चाहूंगी, क्योंकि जैसा कि हमने आपको जानकारी दी कि डॉक्टर साहब की तबीयत अभी उतनी स्वस्थ नहीं है कि सारे समय हमारे साथ रह सके। मैं डॉक्टर साहब से आपको यहाँ आमंत्रित कर रही हूँ। डॉक्टर नरेंद्र मोहन ने, जहाँ तक मुझे जानकारी है, उन्होंने जो नाटक लिखे हैं, कहत कबीर सुनो भाई साधो, सींगधारी, कलंदर, नो मैंस लैंड, मिस्टर जिन्ना, मंच अंधेरे में, हद हो गई यारो, मालिक अंबर, जैसे नाटक उन्होंने लिखे हैं। डॉक्टर नरेंद्र मोहन 1935 में
लाहौर में जो उस समय का अविभाजित भारत था वहां उनका जन्म हुआ, और विभाजन के बाद 1947 में वे हिंदुस्तान आ गए। उनके साथ डॉक्टर प्रताप सहगल की बातचीत लगातार होती रहती थी। मैं डॉक्टर साहब आपसे सिर्फ ये अनुरोध करूंगी कि उनके नाटकों पर कुछ बताते हुए नाटक मंचन या नाटक लेखन या नाटक लिख लिया उसके बाद की चर्चा, या कहीं रिहर्सल पे आप गए, या जो भी कुछ आपके पास उनको लेकर के मजेदार प्रसंग अनुभव वो हो, आप हम सबके साथ उन्हें साझा करें, हम सबको बहुत अच्छा लगेगा। डॉक्टर प्रताप सहगल, शुक्रिया विभा। सबसे पहले आई मस्ट थैंक यू फॉर योर नाइस वर्ड्स फॉर मी। नरेंद्र मोहन से तो हमारा रिश्ता बहुत लंबा भी है, गहरा भी है और थोड़ा सा फैला हुआ भी है, विस्तृत भी है। नाटक में वो आए थे बाद में, नाटक में नाटक उनका पहला नाटक सिंहधारी वो 1982 में शायद आया था। वो एक शुरुआत थी, उससे पहले जो उनकी मुख्य विधा थी वो कविताएं ही थी। अब कविताओं में तरह तरह की कविताएं, लंबी कविताएं भी और अन्य कविताएं भी, और इसके साथ साथ रंग लेखन। मैं मानता हूँ केवल नाटक लिखना ही रंग लेखन नहीं है, जो नाटकों पर लिख रहा है वो भी एक तरह से रंग लेखन ही कर रहा है, और जो नाटकों के मंचन के लिए एक जिस सैद्धांतिकी का निर्माण कर रहा है वो सबसे बड़ा रंग लेखन कर रहा है। वो रंग लेखक सबसे, मुझे लगता है, बहुत बड़ा रंग लेखक है जिसको हम भरत मुनि के रूप में याद करते हैं। और उसके बाद में बहुत सारे, जो पूरी उनकी यात्रा शुरू होती है वो अभिनव गुप्त से शुरू होकर और भी आचार्य विश्वनाथ तक और फिर नगेंद्र तक भी आती है वो। अब मैं ये तो नहीं कहूँगा कि नरेंद्र मोहन ने कोई हमारी ऐसी सैद्धांतिकी का निर्माण किया है रंग लेखन में, क्योंकि सैद्धांतिकी का निर्माण हमारे यहाँ लगभग लगभग 13वीं शताब्दी से बंद हो गया। उसके बाद जो भी सैद्धांतिकी आई वो बाहर से आती रही, चाहे वो फ्रांस से थी या इटली से थी या अमेरिका से थी या ब्रिटेन से थी तो रूस से थी, तरह तरह की जो सैद्धांतिकियां हैं हमारे रंग लेखन को या रंग पूरा का पूरा जो रंग प्रस्तुतियां हैं उनको लेकर वो बाहर से आती रही, और हम लोग उस पर बहुत चर्चा करते रहे और अपने धीरे धीरे अपने को भूलते चले गए, जो कि गलत था। क्योंकि जब हम अपने फिर झांक कर देखते हैं तो मुझे लगता है हमारा जो रंग लेखन का ये हिस्सा है बहुत समृद्ध है। नरेंद्र मोहन ने जो रंग लेखन किया है वो दो तरह से किया, एक तो उन्होंने रंग समीक्षाओं की हैं लेकिन उसके साथ साथ कुछ ऐसे आलेख भी लिखे हैं जो भले ही सैद्धांतिकी का निर्माण तो शायद ना करते हों लेकिन वो आपको एक दृष्टि देते हैं उस यात्रा को समझने में, वो आपको एक दृष्टि देते हैं इतिहास को समझने में, वो आपको एक दृष्टि जरूर देते हैं कि नाटक के अंदर प्रवेश कैसे किया जाए और उसमें उसको किस तरह से टटोला जाए, किस तरह से उसको उसके रेशों को खोला जाए और समझा जाए, तो इस तरह की वो दृष्टि जरूर देते हैं। और इस तरह के आलेख उनके बहुत हैं, उन्होंने किताब भी है और दूसरे आलेख भी हैं और उन्होंने कुछ किताबें संपादित भी की हैं। जैसे पहला नाटक उनका सिंहधारी ही था और वो दिल्ली में ही मंचित हुआ था, वो मंचित हुआ और उस पर एक एक ये चर्चा शुरू हुई कि एक नया नाटककार हमारे सामने आ रहा है। क्योंकि नाटकों के, आपको, आप जानती हैं, मन मुझसे बेहतर जानते हैं कि नाटकों की कमी हमेशा रहती है, सिर्फ हिंदी रंगमंच की बात नहीं है, किसी भी रंगमंच को नाटकों की कमी हमेशा रहती है, क्योंकि वो हर बार कोई ना कोई कुछ ना कुछ नया खेलना चाहते हैं। और ये कोई ऐसी बात नहीं है, ऐसी चीज़ नहीं है कि हम रोज़ रोज़ लिखने बैठे हैं और नाटक, ये लगातार की प्रक्रिया है, प्रोसेस है जिसमें नाटक इवॉल्व होता रहता है, सिर्फ वो एक दिन में लिखा नहीं जाता बल्कि वो धीरे 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 हर मंचन के साथ वो इवॉल्व होता है, हर मंचन के साथ उसमें कुछ तब्दीलियाँ आती हैं और फिर जाकर कभी अगर वो उसको एक स्थिर रूप मिलता भी है तो वो भी कोई बहुत ज़्यादा देर तक टिकता नहीं है, क्योंकि जो आने वाले लोग हैं वो फिर उसमें अपने तरीके से
कुछ ना कुछ परिवर्तन करते हैं और उसमें कुछ जोड़ते हैं घटाते हैं, तो एक सिलसिला निरंतर चलता है और ये हर रंगकर्मी जानता है इस बात को। तो वहाँ से उनकी शुरुआत हुई और उसके बाद कहे कबीर, सुनो भाई साधो, उनका दूसरा नाटक आया था, तो मैंने उनसे पूछा भी था, भाई ये क्या आप क्यों कर रहे हो इस पर, तो मणि मधुकर भी अपना वो एक तारे की आंख लिख चुके और भीष्म साहनी लिख चुके, बहुत चर्चित हो चुका नाटक, तो आप क्यों ये अब कबीर को क्यों ला रहे हैं। तो उनका कहना था कि देखिए कुछ पात्र ऐसे हैं जो मेरे अंदर घुसे हुए हैं और मैं जब तक उन पर लिखूंगा नहीं मैं मुक्त नहीं हो सकता, और उनमें कबीर एक है, तो कबीर को वो किसी भी कीमत पर बिना लिखे हुए उससे अपने अपनी मुक्ति, असल अंततः मुक्ति तो अपनी ही है आदमी की, लेखन क्या है वो अपनी मुक्ति ही है, तो अपनी मुक्ति के लिए ही लिखता है, उसके दबाव इतने होते हैं कि जब तक वो लिखेगा नहीं तब तक वो छूटेगा नहीं उस दबाव से। तो तब उन्होंने वो नाटक लिखा और उसमें इतिहास है उसमें, लेकिन ये भी एक अच्छी बात ये थी कि जिस तरह के पदों का प्रयोग भीष्म साहनी ने किया या मणि मधुकर ने किया या कुछ और लोगों ने किया था, उससे हटकर इन्होंने अलग ऐसे जो थोड़े से कम जाने पहचाने पद थे उनका इस्तेमाल किया अपने नाटक में और उनको एक उसको एक नई पहचान दी और एक नए तरीके से कबीर को टटोलने की कोशिश की। मैं तीन नाटकों को बड़ा डिस्टिंक्ट मानता हूँ जो कि अलग, जिस पर लोगों ने नहीं लिखा और इन्होंने एक ब्रेक थ्रू किया, जिसमें वो अभंग गाथा है, कलंदर है और मिस्टर जिन्ना है, बाकी तो नाटक है ही हैं। बाकी नाटक मंच अंधेरे में आपने जिक्र किया, हद हो गई यारो आपने जिक्र किया, मलिक अंबर की भी चर्चा की जा सकती है, मलिक अंबर पर भी किसी ने कोई वहाँ पर भी किसी ने दाखिल होने की कोशिश नहीं की, वो भी एक नया विषय था और मलिक अंबर का मंचन मुझे देखने का अवसर औरंगाबाद में ही मिला था। लगातार वो अपने आप को एक इवॉल्व करने के प्रक्रिया में रहते थे, सुनना उनकी एक बहुत अच्छी आदत थी, जो लोग अगर कुछ कह रहे हैं तो सुनते थे और सुनने के बाद गुनते भी थे और उनको कुछ ठीक लगता था वो तो उसमें तब्दीलियां भी करते थे, परिवर्तन भी करते थे, ये खास बात उनकी थी। अब कहा ये जा सकता है कि उनकी जितने भी नाटक हैं, अगर आप उनके रंग लेखन के रंग दृष्टि की बात करें तो जितने भी नाटक हैं लगभग लगभग यथार्थवादी शैली में ही लिखे हुए नाटक हैं, लगभग लगभग। जो ये आपका है सिंहधारी, वो लोक कथा को लिया हुआ, एक लोक कथा को लेकर उसका रचता है और बीच बीच में फैंटेसी भी लाता है, तो फैंटेसी उनकी एक प्रिय रूप है या एक उनकी प्रिय युक्ति है जिसको वो कविता में भी इस्तेमाल करते हैं और नाटक में भी इस्तेमाल करते हैं, जहाँ चीज़ें बहुत स्पष्ट नहीं होती और जहाँ चीज़ें बहुत उलझ जाती हैं, जहाँ व्यक्ति का मन बहुत सारे अंतर जो ध्वनियाँ हैं जो उसके अंतर संवेदनाएं हैं उनसे जैसे उलझ से जाते हैं, तो लगता है उस समय एक फंतासी ही एक ऐसा रास्ता है, वो एक ऐसी शैली है जो शायद उसको बांध सकती है, कुछ खोल सकती है, कुछ पकड़ सकती है, कुछ समझा सकती है, वो जो कन्वे करना चाहते हैं, वो जो पीड़ाएँ हैं उनकी, जो संवेदनाएँ हैं, जो उनके दुख हैं अंदर। तो नरेंद्र मोहन का जो जीवन है वो थोड़ा ऐसा रहा है कि उन्होंने अपने जीवन में बहुत सारी चीज़ें का सामना किया जो शायद आम लोगों ने नहीं किया हो, मसलन विभाजन तो एक है ही है, विभाजन का तो बहुत लोगों ने सामना किया, लेकिन विभाजन के साथ साथ जो व्यक्तिगत स्तर पर उन्होंने जिस चीज़ का सामना किया वो थी उनकी चुप्पी, यानी वो शायद 5 या 6 साल की उम्र थी, कहीं से गिरे और उनके आवाज़ चली गई और कई कुछ महीनों तक जो है आवाज़ गायब हो गई, तो एक चुप्पी से सामना हुआ। तो आप देखेंगे वो चुप्पी उनकी, वो उनकी कविताओं में भी और कहीं पर नाटकों में भी बहुत सारी जगह किस तरह से जगह पाती है, यानी आपके उनके नाटकों में भी बहुत सी चुप्पियाँ आपको छुपी हुई मिलेंगी और वो चुप्पियाँ खोलना रंग निर्देशक के ही बस की बात होती है, अभिनेता के भी बस की बात होती है। तो अब ये
वो चुप्पी ही खाले नहीं थी बल्कि विभाजन के पीड़ा के साथ साथ वो दहशत भी थी। तो उस दहशत और उस चुप्पी का सामना जैसे उन्होंने हंसी से कर रहे थे कि अंदर से हंसी आ रही। तो हंसी, दहशत, चुप्पी, विभाजन, ये कुछ ऐसे सूत्र हैं जिन सूत्रों के सहारे आप उनकी कविताओं को भी और आप उनके नाटकों को भी पकड़ सकते हैं। उनकी जो सूत्र, उनके जो अंदर छिपी हुई जो संवेदनाएं हैं उनको खोल सकते हैं, पकड़ने की कोशिश कर सकते हैं। तो ये जब इनका जो पहला ये जो नो मैंस लैंड है, उसकी नो मैंस लैंड का जो पहला मंचन दिल्ली में ही हुआ था वो जिंदाबाद मुर्दाबाद के नाम से हुआ। तो बाद में उन्होंने उसका नाम बदल के नो मैंस लैंड कर दिया, लेकिन वो मंचन बहुत अच्छा नहीं, मुझे तो बहुत अच्छा नहीं लगा था। गुलशन कपूर नाम के एक युवा निर्देशक होते थे तो उन्होंने किया था, तो मुझे लगा कि वो स्क्रिप्ट के अंदर शायद प्रवेश कर नहीं पाए और बाद में फिर उसके और मंचन। ये मिस्टर जिना और कहे कबीर सुनो को लेकर मैं थोड़ी सी बातें आपके सामने बताना चाहता हूँ कि कहे कबीर जो है जब वो टीवी पर होने लगा तो वहाँ पहला उसका एपिसोड हुआ और जो कबीरपंथी है वो उसके खिलाफ खड़े हो गए। तो वो बातें जब रंगकर्मियों तक पहुंची तो दिल्ली के रंगकर्मी और देश के रंगकर्मी काफी गुस्सा हुए और हम लोगों ने मुझे लगता है कम से कम 25-30 संस्थाएं होंगी दिल्ली की भी और भारत की भी, जहाँ तक मुझे याद आ सुनो प्रगतिशील लेखक संघ भी था, जनवादी लेखक संघ भी था, भारतीय लेखक संगठन भी था, हमारी एक संस्था थी गवाक्ष वो भी थी, एक लेखनी थी, बहुत सारी ऐसी संस्थाएं थी जिन्होंने मिलके वो वहाँ दूरदर्शन जो इनका है मुख्य कार्यालय वहाँ पर धरना दिया और लगभग पूरा दिन धरना दिया और वहाँ जो महानिदेशक हैं उन्होंने आश्वासन दिया कि उसके वो होंगे अगले एपिसोड होंगे, जो कि नहीं हुए। तो ये हमारी एक जो बड़ी अजीब सी मुझे लगता है, जरा सी कहीं से कुछ आवाज़ आती है और सरकार इधर उधर होने लगती है और कि ये नाराज ना हो जाए वो नाराज ना हो जाए। मुझे लगता है लेखक तो शायद कहीं ना कहीं लिखता ही इसलिए है कि आप कहीं ना कहीं थोड़े डिस्टर्ब हों, कि समाज कहीं ना कहीं थोड़ा डिस्टर्ब हो, वो कुछ सोचने के लिए थोड़ा विवश हो, नहीं तो लिखने का अर्थ क्या है। वो कुछ ऐसे प्रश्नों को उठाता है, कुछ ऐसे ऐसे बिंदुओं को उठाता है जो कि समाज में एक कोहड़ की तरह से होते हैं और उनका वो शब्दों के अलावा लेखक के पास कुछ नहीं है और वो सोचने के लिए मजबूर करता है। तो अब जरा जरा सी बात पर, खैर वो नहीं हुआ। मिस्टर जिन्ना को लेकर तो और बड़ा हंगामा हुआ। मिस्टर जिन्ना का जो एक पृष्ठभूमि है वो उन दिनों लाल कृष्ण आडवाणी पाकिस्तान गए, तो पाकिस्तान में उन्होंने एक जो बयान दिया था मिस्टर जिन्ना को लेकर कि वो तो एक सेकुलर व्यक्ति थे, बस उससे यहाँ पर बहुत शोर शराबा हो गया। और इधर ये नाटक मंचित मंचन की तैयारी हो रही थी, तय हो गया था, लेकिन वो नहीं मंचित हो पाया और उस पर बिना किसी कोई कारण बताए उसको उन्होंने रोक दिया। और हम सब लोग उस दिन जो भी थोड़े बहुत दर्शक पहुंचे थे, क्योंकि ये खबर फैल गई थी कि ये मंचित नहीं होगा और बहुत से लोग तो डर के मारे भी नहीं आते, लेकिन हम लोग गए और वहाँ लोधी कॉलोनी जो पुलिस स्टेशन है वहाँ धरना दिया और वहाँ थोड़ी बहुत झड़प भी हुई पुलिस से। पुलिस का क्या रोल है, पुलिस को तो क्या पता, उनको तो जो आदेश होते हैं वो उस तरह से करते हैं। फिर एक दिन बाद या 2 दिन बाद एक लंबा जुलूस जिसमें बहुत सारे रंग कर्मी शामिल थे, वो जो पुलिस का मुख्य कार्यालय है दिल्ली में वहाँ पर एक कैंडल मार्च किया गया और उसमें बहुत सारे लोग शामिल था, मैं भी था। तो ये जो दो नाटक हैं इसलिए भी ऐतिहासिक बन जाते हैं कि इनके कारण एक हलचल हुई। जो नाटक अगर कहीं पर डिस्टर्ब करता है सत्ता को या व्यवस्था को तो मुझे लगता है कि वो रचना अपने तरीके से एक सफल रचना है, कामयाब रचना। जरा थोड़े दिलचस्प से किस्से सुनाता हूँ। तो हम लोग एक बार यात्राएं हम लोगों ने बहुत की हैं नरेंद्र मोहन के साथ, अहमदाबाद गए, औरंगाबाद,
मुंबई गए और कोलकाता, कोलकाता की बात बताता। कोलकाता में एक कवि सम्मेलन था, वहाँ का जो ईस्टर्न रेलवे, उन्होंने अपने एम्प्लॉयज के लिए एक बहुत बड़ा कवि सम्मेलन किया था, बहुत हज़ारों की संख्या में एम्प्लॉयज हैं वहाँ उनके। तो दिल्ली से वीरेंद्र मिश्र, मैं, नरेंद्र मोहन, श्याम निर्मम और जगदीश चतुर्वेदी और शेरचंद गर्ग, ये हम लोग 5-6-7 लोग थे। तो हम लोग यहाँ से राजधानी से रवाना हुए। तो खैर वो तो अगले दिन पहुँच गए, जो भी हुआ वहाँ जाके व्यवस्थित हो गए और वो कवि सम्मेलन भी बहुत अच्छा हो गया। अब जब अगली शाम को हम फिर राजधानी से लौटे, तब वीरेंद्र मिश्र हमारे साथ नहीं थे, तो हम लोग 5 बज गए। अब जब 5 बज गए तो जब बैठे शाम को हावड़ा से राजधानी चली, तो अगले स्टेशन पर वो, उसको थोड़ी देर रुकना था, 10 मिनट का वहाँ उसका। तो अब सब एक दूसरे झांक रहे हैं, भाई तुम्हारे पास कुछ है? वो कहते तुम्हारे पास कुछ है, भाई तुम्हारे पास कुछ है? तो किसी के पास कुछ नहीं। उन दिनों इस तरह की पाबंदियां नहीं थी कि राजमला अब राजधानी में बैठ के एक दो ड्रिंक ना ले सकें, आराम से आप एक दो ड्रिंक ले लेते थे और गप शप मारते हुए चले जाते थे। ऐसी पाबंदियां जैसी आजकल हैं वैसी नहीं थी। तो अब क्या किया जाए? वो जब गाड़ी, पता लगा गाड़ी रुकनी है, तो जो वहाँ का हमारा वेटर था उसको हमने कहा, भाई कुछ इंतज़ाम हो सकता है? कहले हाँ जी हो जाएगा। मैं कहा कैसे? कहले जी भाई ये अब अगले स्टेशन पे गाड़ी 10 मिनट रुकेगी और ये गेट के बाहर ही दुकान है, तो आप पैसे दे दीजिए, मैं ले आऊँगा भाग कर। मैंने कहा चलिए, यंग लड़का है। तो हमने 100-100 रुपये इकट्ठा किया 5 लोगों ने, मैं, नरेंद्र मोहन, जगदीश चतुर्वेदी, श्याम निर्मम और शेरजंग गर्ग। हम कहा चलिए बड़ा रास्ता थोड़ा अच्छा कट जाएगा, गपशप लगाएंगे, कविताएं विताएं सुनते सुनाते जाएंगे, कुछ गप्पे लगाते। अब वो 500 रुपये लेकर चला गया। अब चला गया तो हम अपना खिड़कियों से झांक रहे हैं, एसी डिब्बा था लेकिन जो भी है वो झांक रहे हैं, पर्दे उठा उठा के कि वो कहाँ है लड़का। अब सबकी निगाहें उधर हैं, हर आदमी देख रहा है। तो मैं उठ कर दरवाजे तक भी देख आया, तो किसी से पूछा भी मैंने, भाई यहाँ कोई दुकान है? कहना जी वो तो बाहर है, बाजार में है वो, तो यहाँ बाहर थोड़ी दुकान है। ओहो, हमने कहा लो भाई। तो खैर वहाँ बैठे बैठे अपना सूखते रहे और गाड़ी चल दी। वो लड़के ने नहीं आना था, वो नहीं आया। और अगर हम पंजाबी में कहावत है कि नाती धोती रह गई ते मुँह ते मक्खी बह गई, बोले नहाते धोते नहा धो के अब तैयार बैठे हुए हैं कि अब पकवान आ रहे हैं, पकवान तो नहीं आया, मक्खी बैठ गई है आपके पकवान वाली। तो वो हमारी हालत हुई। और फिर हम एक दूसरे की बगलें झांकते हुए और एक दूसरे को खींचते हुए, कि सब अपने आप को बड़े 30 मार खा समझते थे और सब बेवकूफ़ बन गए और वो हम सबको बना गया। और फिर गाड़ी चल दी। और फिर हमने कहा चलो भाई अब अपने अपने कविताएँ खोलो और अब कविताओं से काम चलाओ। इसी तरह से एक बार हम मुंबई में गए थे, मुंबई में भारतीय लेखक संगठन का अधिवेशन था वहाँ 2 दिन का, वहाँ मैं थे, रामदर्श जी थे और गुरचरण सिंह थे और नरेंद्र मोहन थे। तो उधर से आ गए डॉक्टर रमेश कुंतल मेघ और डॉक्टर विशंभर उपाध्याय। तो ये एक विनय ने वहाँ सारा आयोजन किया हुआ था, तो ये एक जमावड़ा हुआ। विकल भी उन दिनों शायद वहीं थे मेरे ख्याल में, तो विकल से मेरे ख्याल मुलाकात हुई थी उन दिनों या नहीं हुई थी मुझे याद नहीं पड़ता। तो वहाँ भी वही स्थिति बन गई कि कुछ पीने वाले कुछ ना पीने वाले 2 हिस्सों में बट गए। रामधर जी और जो गुरचरण सिंह, वो तो सूफी थे और हम सब लोग अपना विशंभरनाथ उपाध्याय के कमरे में फिट हो गए। तो अब क्या करें कि अब रामदर्श जी हमारे उस्ताद भी हैं, वही मेरे तो गुरु हैं, अब ये कि वो बुरा ना मान जाए, तो बस थोड़ी देर वहाँ बैठूँ, थोड़ी देर इधर बैठूँ, थोड़ी देर वहाँ बैठूँ, थोड़ी देर इधर बैठूँ, उनसे कुछ बात करूँ, उनसे बात करूँ। तो इस तरह से वो हमारी शाम गुजरी। इस तरह से बड़ी दिलचस्प शामें हमारे साथ उनके साथ गुजरी हुई हैं। और किससे भी बहुत बताएंगे कभी, मुझे लगता है आज इतना काफ़ी है। बहुत सारी बातें याद आती हैं, लेकिन उनके जो
नाटक लिखने का जो सारा प्रोसेस था वो लगातार चलने वाला प्रोसेस था, ये मैं कह सकता हूँ। वो कोई ऐसा प्रोसेस नहीं था कि आज लिख लिया और ये फाइनल हो गया। हो सकता है अगली बार जब वो प्रकाशित होगा तो उसमें कुछ और परिवर्तन होंगे, उससे अगली बार जब प्रकाशित होगा तो उसमें और परिवर्तन होंगे। अब तो खैर वो तो परिवर्तन नहीं करेंगे, अब तो जो मंचित करने वाले हैं। और मैं मानता हूँ कि जिस नाटककार के नाटकों का विभिन्न निर्देशक मंचित करते हैं, मंचन करते हैं अलग अलग तरह से, वो नाटक फिर जमता है, वो नाटक रहता है। और जिस नाटककार का एक ने मंचन किया और बस वहीं ख़त्म हो गया। और जो नाटक निर्देशकों की तो बड़ी खास ये है, प्रॉब्लम है, वो जो खुद नाटक लिखते हैं, खुद मंचित करते हैं, बस वही करते हैं, फिर और कोई नहीं करता। लेकिन यह है कि नाटककार के जो नाटक हैं वो बहुत निर्देशक, जो नाट्य निर्देशक हैं वो मंचित करते हैं। तो जितने भी मंचित उसका अगर करने वाले होंगे, मुझे लगता है उसका उतना विस्तार होता है, उसके उतने ही ड्राफ्ट बनते चले जाते हैं, उसके उतने ही व्याख्याएं होती चली जाती हैं, और उसका उतना ही जो है एक असर समाज को होता है लगातार। लेकिन मैं ये कह सकता हूँ कि नाटक उनके रहेंगे, और जो खास तौर पर जो उनके नाम के साथ छिपके हुए नाटक हैं, जुड़े हुए नाटक हैं, मिस्टर जिन्ना है, अभंगा था है, कलंदर की चर्चा नहीं करते लोग। कलंदर को पता नहीं क्यों नहीं उठाते, मुझे समझ में नहीं आता। कलंदर में बहुत शक्ति है, बहुत अच्छा नाटक है, वो पता नहीं क्यों इतना अमंचित रह जाता है। कभी सोचिए उस बारे में, वो बहुत बहुत अच्छा नाटक है, उसमें बड़ी संभावनाएं हैं कलंदर में। तो मैं गया था पानीपत, वहाँ मैंने वहाँ कलंदरों की वो देखी, मज़ार भी देखी और वो सारा देखा। तो जो माहौल और जो वहाँ साहित्य थोड़ा बहुत जो उपलब्ध है और उनके बारे में जो किंवदंतियाँ और जो चीज़ें उपलब्ध हैं, अद्भुत हैं। समाज को एकदम तोड़ने, वो समाज की जो जड़ परंपराएं हैं उनको तोड़ के रख देने वाले जो हैं, वो कलंदर उन पर होना चाहिए। देखिए, साहित्य लिखा हुआ है तो हमें सब जगह मिल जाएगा, लेकिन आप लोगों से बात करने से और आप लोगों के माध्यम से चीजों को जानने और समझने के मौके मिलते हैं। और आपने जो हमें आज दी है उनके बारे में, वो चार चीजें जो आपने दी हैं, दहशत, हंसी, विभाजन और चुप्पी, ये चार उनके हम ये कह सकते हैं कि उनके लेखन के चार प्रमुख तत्व रहे, जिनका सत्व आपने आज हमें लेकर के दिया है उनकी रचनाओं के माध्यम से और उनको याद करते हुए। और जो जिस चुप्पी की बात आपने कही है, उसको तो मैंने भी महसूस किया जब मैं मिस्टर जिन्ना नाटक में अभिनय कर रही थी और जब मैं शर्मिला इरो में मैं काम कर रही थी, कि नाटक में आप मौन को कितना आप मुखर करते हैं, ये नाटककार के लिए अपनी क्षमता होती है और उसके हिसाब से फिर निर्देशक और कलाकार वो अपनी क्षमता का उसमें उपयोग करते हैं। आपका बहुत बहुत आभार। और आपने तो जितने मजेदार प्रसंग सुनाए, तो उससे मुझे यही समझ में आया कि आपने कवि सम्मेलन में तगड़ा मानधन लेकर के आप लोग आए होंगे, तो उस मानधन में से उसने अपना कमीशन ले लिया और वहां से वो चलता बना। तो इस तरह की भी चीजें जो है, कभी कभी डाल डाल के ऊपर पात पात भी लोग मिल जाते हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद और आभार। घर में जब एक बच्चा आता है, तब उस घर में पति पत्नी जो माँ बाप बनते हैं, वो किस तरीके से अपने उस बच्चे को देखता है, अपने आप को उस बच्चे में देखता है। और वह बच्चा जब आंखें खोलता है, बड़ा होता है, धीरे धीरे समझता है कि ये मेरी माँ है, ये मेरे पिता हैं, और उनके साथ वो किस तरह से एकाकार होता है, तो ये बड़ा ही रोचक प्रसंग होता है, बड़ा दिल के करीब का प्रसंग होता है। और बचपन, छोटी से छोटी बातें, की चुटिया बनी या टॉफी के लिए जिद हुई, या जूते फट गए, या कितना पेंसिल नहीं है, या फिर हमने नर्सरी राइम पढ़ी, या फिर हमने अपने टीन एज में कौन सी समस्याएं झेली, या जब हम बड़े हुए तो क्या हमें लगा। आमतौर पर कहा जाता है कि बेटियां पिता से और बेटे माता से हिले मिले रहते हैं। मैं यहाँ मेरा इशारा यहाँ सुमन पंडित की तरफ है, डॉक्टर साहब की बिटिया हैं, और मैं उनसे इन्हीं प्रसंगों के बारे में जानना चाहूंगी। मुझे पहले ये बताएं कि आप डॉक्टर साहब को क्या कह के बुलाती थी, बाबूजी, पापा, डैडी, डैड, क्या कह के बुलाती थी, वो आपको क्या कह के बुलाते थे, और यहाँ से हम बातें शुरू करते हैं। सुमन जी, नमस्कार। आप मैं विभा से सुबह भी कह रही थी कि
आप लोग यू नो यू आप उनके यू हैव बीन अ पार्ट ऑफ हिम, वसुधा जी और उनकी इतनी बड़ी लेखकीय बिरादरी, इतना बड़ा परिवार। अब मुझे पहले मुझे अपना परिवार ही कंप्लीट लगता था कि हम 5 लोग, मैं, मम्मी, अमित, मनीषा, पापा, हम 5 लोग। बचपन से हमें इतना मन हम भरा रहता था और एक दूसरे में इतना कंप्लीट लगता था। लेकिन उनके जाने के बाद अब मुझे लगता है कि इतना बड़ा परिवार वो हमारे लिए छोड़ गए हैं, जिन लोग से बात होती है। मुझे इतनी शिद्दत से महसूस होने लगा है कि देश दुनिया के कोने कोने में बैठे उनके स्टूडेंट, उनके जो ये इतनी बड़ी लेखकीय बिरादरी है, हर एक व्यक्ति से अब मुझे वही परिवार की फीलिंग आती है। मुझे लगता है कि वो आप लोगों के थ्रू, आप लोगों के साथ, आप लोगों में उपस्थित है हमारे लिए। वो जिंदा है आप लोगों में, हमारे में थोड़े अंश में, लेकिन अब उनका लेखक मेरे लिए बहुत अलग मायने के साथ मेरे सामने आ रहा है। एक पिता को खोने का दुख, और ऐसे पिता को जो पिता नहीं आपके सारी जिंदगी ताम्र आपका दोस्त बन के रहा हो, आपका सबसे अच्छा दोस्त, उस मनस्थिति से, आप लोगों के सहयोग से, क्योंकि मुझे आप में वो दिखते हैं जिंदा, वो मैं उस मनस्थिति से निकल पा रही हूँ। वो ही हमें इस चीज में भी हाथ पकड़ के, उंगली पकड़ के मेरी मुझे उस बहुत गहरे दुख से, विषाद से बाहर निकाल रहे हैं। उनमें वो प्रेजेंट है, उनमें वो जिंदा है। मुझे याद है कि जेएनयू में फंक्शन हुआ था, मंटो की बेटियां आई थी वहां पे तीनों, और हम जी गए थे पापा और मैं, और मंटो की बेटियों से हम मिले थे। मुझे याद है मैंने उन्हें कहा था कि इतनी छोटी उम्र में जब आपने अपने पिता को खोया था, उसकी कुछ रिजेंटमेंट आपके मन में रही होगी, लेकिन आपके पिता का प्यार बहुत बहुत गुना होकर आपको आज तक मिल रहा है। वही मैं आज भी मैं महसूस करती हूँ खुद, कि वो आप लोगों के जरिए हम तक कितने कितने गुना वो पहुंच रहा है। आज से पहले तक, 11 तारीख से पहले तक मैं मेरा उनके साथ ऐसा रिश्ता था कि मुझे हमेशा आई यूज टू फील स्पेशल कि ये मेरे पापा हैं। अच्छा उन्हें मैंने यही कहा था कि इस हॉल में हम मंटो को महसूस कर सकते हैं, और वातावरण बहुत इमोशनल हो गया था। हम लोग सच में उनको महसूस कर रहे थे, और जैसे कि मंटो आज तक जिंदा है, मुझे लगता है निंदर और नरेंद्र मोहन हम लोगों के साथ हमेशा जिंदा है। इनफैक्ट वो और शिद्दत के साथ हमसे जुड़ गए हैं। मैंने मैंने उनके साथ मेरा एक बहुत ही स्पेशल रिश्ता, एक अलग ही वेवलेंथ, शायद सभी को ऐसा महसूस होता हो, लेकिन मुझे आई हैव ऑलवेज फेल्ट वेरी स्पेशल, बिकॉज जो एक जिंदगी में अनकंडीशनल लव की, एक्सेप्टेंस की जरूरत हर कोई महसूस करता है, वो मुझे उनसे मिला। वो इतना प्यार का, ट्रस्ट का नाता था, इतना विश्वास का नाता था, कि और उसमें कहीं इतने सालों में कभी भी कहीं भी एक हल्की सी खलिश भी नहीं आई,
कभी ऐसा नहीं हुआ कि हमें लगाओ कि उन्होंने, वो हमारे साथ बहुत स्ट्रिक्ट थे, वो हमारे साथ स्ट्रिक्ट नहीं थे। उन्हें कहा करते थे उनके भाई वगैरह, बड़े भाई वगैरह, कि नरेंद्र ने अपनी गुड़िया नु बिगाड़ता है, नरेंद्र ने अपनी लड़कियों को बिगाड़ रखा है। लेकिन हमें उनसे इतना विश्वास मिलता था, कंप्लीट ट्रस्ट। और उसने हमें पूरी जिंदगी इतना कॉन्फिडेंस दिया, और हमने उनका कॉन्फिडेंस कभी भी नहीं तोड़ा। और दूसरी बात, मैं रिश्ते की कर रही थी तो मुझे लगता था कि बस, मतलब मैं और पापा, हमारा एक अलग रिलेशनशिप है। मुझे इससे कोई मतलब नहीं था कि वो किसी के पति हैं या किसी के पिता हैं, या कि किसी मेरे और भाई बहन है। तो बस मुझे, मैं बहुत खुश थी अपने उस रिश्ते में, और उनसे हर एक छोटी से छोटी बात, आज तक हर छोटी बात उन्हें बतानी जरूरी होती थी, उनके साथ शेयर करनी जरूरी होती थी। और हमें हम हमेशा भाई बहन बैठते हैं, मिलते हैं, बात करते हैं, हमेशा कहते हैं हम ब्लेस्ड हैं जो हम हमें इतना विश्वास मिला, इतना बेहद प्यार मिला। मम्मी बताती थी कि जब मैं छोटी थी तो जब तक पापा नहीं आते थे मैं नहीं सोती थी। वो कितने भी बजे आए, वो कंधे पे लेके और घूम घूम के मुझे सुलाते थे तभी सोती थी, नहीं तो नहीं सोती थी, उनकी इंतजार करती रहती थी। एक बार मेरी क्या दादी बात, ने डांटा, मैंने कुछ बाहर से आई और मटके में हाथ डाल दिया तो उन्होंने डांट दिया। मैं छोटी थी, 6 7 साल की, 8 साल की होंगी, तो बस मैं तो उल्टा सोफे पे लेट गई कि जब तक मेरे पापा नहीं आएंगे। मुझे इस बात से कोई मतलब नहीं था कि वो उनकी माँ है, नहीं, मेरे पापा की, आने दो मेरे पापा को। जी आपने अभी भी अपने उनकी पापा की दो कविताएं, एक दो कविताएं आपने रिकॉर्ड करके, जो बीमार थे और हॉस्पिटल में थे, तो आपने और अजीत अंजुम के बारे में भी आप कुछ उनको कुछ बता रहे थे, थे जब अगर से आप। पूरा ये किसान आंदोलन चल रहा था, तो मैं और पापा, हम सुबह बैठी के साथ ना अजीत अंजुम की पहले वीडियो सुबह सुबह जो वो अपलोड करते थे वो हम देखते थे, और फिर उसके बाद के भी देखते थे, रात वाला भी देखते थे। तो मुझे कहीं से पता चला था कि अजीत अंजुम, उन्होंने अपने एक बहुत प्रिय मित्र को खोया, अरुण पांडे को। वो भी कभी वीडियोस में उनके साथ दिखते थे, और वो बहुत डिप्रेशन में है। और करीब 40 दिन तक उन्होंने कोई वीडियो अपलोड नहीं किया था। तो मुझे उनका नंबर मिला, मैंने उन्हें फोन किया और उनसे एक लंबी बातचीत हुई। मैं जानती नहीं थी उनको, लेकिन फिर भी उन्होंने मेरा फोन उठा लिया था, और वो पूरे आधा घंटा अपने उस मित्र के बारे में ही बात करते रहे। उनसे मेरी यही बात हुई कि आप नहीं जानते हैं, लाखों लोग आपको, आप को प्यार करते हैं, और वॉट एवर यू आर डूइंग इज वेरी वेरी वैलिड। और यही सच्ची श्रद्धांजलि होगी आपके मित्र को, कि आप वापस उसी आप वापस आए और अपने जिंदगी को नए सिरे से देखें। मैं उस दिन पापा को मैंने 3 बारी फोन किया हॉस्पिटल में, लेकिन वो उस दिन फोन नहीं उठाने की स्थिति में थे। तो जब तक शाम तक, रात तक मैंने बात नहीं कर दी, उनको इतनी सी बात भी बतानी जरूरी थी कि पापा मैंने अजीत अंजुम से बात की और उनसे ये बात की। और उसके बाद मैंने उसको फिर से एक मैसेज भेजा था जब उन्होंने अपना पहला वीडियो डाला, तो मैंने उनको यही कहा था कि आज मैं उसी स्थिति में हूँ जिस स्थिति में आप थे। और बहुत आसान होता है कहना, लेकिन उस स्थिति से गुजरना बहुत मुश्किल होता है। मैं फिर भी ये कहूंगी कि मुझे कुछ पहले 3 4 5 दिन मैं बिल्कुल ऐसी स्थिति में थी, मैं तब भी नहीं विश्वास कर रही थी, मैं तब भी वो छोटी बच्ची बनी हुई थी, कि आई आई फेल्ट लॉस कि पापा क्यों चले गए छोड़ के।
लेकिन फिर मुझे मैंने रियलाइज किया, मुझे लगा नहीं मुझे अब तो कम से कम अपने उस बचपने से निकल आना चाहिए। और मेरे भाई ने मुझे पहले बोला था, मेरे बेटे ने मुझे एकदम थोड़ी देर बाद ही कहा था, 1 घंटे बाद, कि मम्मी मैं दुखी नहीं हूँ, आप वी शुड सेलिब्रेट हिम। मुझे लग रहा है कि वो मुझे फिर से जीना सिखा रहे हैं, अपनी उंगली पकड़ के उसी तरह जैसे उन्होंने हिसार में नदी के किनारे मुझे चलना सिखाते थे, मम्मी और पापा उंगली पकड़ के अगली पोस्ट तक, वहां तक जाना है, अगले खंभे तक चलना है, सुमन वहां तक चलना है। धीरे धीरे वो मुझे जैसे लेके जाते थे, जैसे उन्होंने मुझे हर जिंदगी के हर कदम पे उन्होंने मुझे लिखना सिखाया, मैं सिर्फ उनके कहने पे कि तो मेरी किताबें आईं, वो बहुत खुश थे। और इसी तरह अब मुझे वो फिर से जीना सिखा रहे हैं। मैं आप सबसे इतनी बड़ी बिरादरी से जुड़ रही हूँ, एक अलग तरह से मैं अपने फादर को रीडिस्कवर कर रही हूँ। तो इसी तरह आप हमारे ऊपर जिम्मेदारी लगा दी उन्होंने, उनके काम को समेटने की, उनकी चीजों को और एक ऐसी शेप देने की जो कि हमेशा के लिए हम उसको प्रिजर्व कर सके और उनके काम को सेलिब्रेट कर सके। जब मम्मी गई तो पापा के लिए कितना बहुत मुश्किल था। उन्होंने कुछ कविताएं लिखी थी, उसमें से एक कविता मैं आपको सुनाती हूँ। मम्मी गई थी 18 जनवरी को 2002, और ये 2 फरवरी की उनकी डायरी में एंट्री है। मुझे उदास देख बेटी कहती है, पापा मम्मी नई हो गई है, हमारी गुड़िया ने नए कपड़े पहन लिए हैं, वे मुक्त हो गई है हृदय रोग से, गुर्दों की तकलीफ से, सुख दुख से, सांस आने ना आने के जंजाल से। पापा देखो ना, पत्ती पर धूल की कोई परत नहीं है, धुली धुली है वह अपने मूल हरेपन में, मंद मंद मुस्कुराती। मैंने देखा मेरी बेटी की आंखों ने मैंने देखा मेरी बेटी की आंखों में पत्ती ने नया जन्म पा लिया है। मम्मी के जाने के बाद हमारी सारी जो ग्रीफ है वो इस चीज में ट्रांसफॉर्म हो गया, पापा को, पापा की देखभाल, पापा को संभालने में। ऑल्दो वो कभी भी इमोशनली हम पे बोझ नहीं बने, उन्होंने अपने आप, उनमें बहुत विल पावर थी, बहुत उन्होंने अपने आप को संभाला, और आज तक वो हमारा संबल बने रहे। और मुझे लगता है हमें उनकी लेगेसी, उनके काम, उसी में उनको सेलिब्रेट करना है, उसी में उनको ढूंढना है, उसी में उनको पाना ये है। बातें हम जानना चाहते थे कि एक पिता को एक बेटी कैसे देख रही है और क्या महसूस किया है और कैसे उनके साथ बिताए हुए आपके समय और उनके साथ रहे हुए आपके पल। और जो आपने जो जो आपके बेटे ने कहा कि वी मस्ट सेलिब्रेट और वी शुड सेलिब्रेट, तो ये मुझे याद दिलाती है कि जब तैयब मेहता साहब वो जब गुजरे थे, तैयब मेहता आप सब जानते हैं बहुत बड़े कलाकार थे, आर्टिस्ट हैं, वे जब गुजरे तो उनके भी परिवार के लोगों ने यही किया कि वी शुड सेलिब्रेट, ही हैज गॉन विद फुल ऑफ हिज वर्क एंड एवरीथिंग एंड नाउ वी आर ही हैज गिवन अस अ लॉन्ग लॉन्ग एंड वेरी रिच लिगेसी, और उस लिगेसी के साथ हमें आगे बढ़ना है। सो उनकी उस लिगेसी को और उनके उस उन चीजों को हमें सेलिब्रेट करना है। तो ये जब उन्होंने आपने जब अपने बेटे की बात बताई तो मुझे तैयब मेहता का वो प्रसंग याद आया, रीडिस्कवरिंग नरेंद्र मोहन। ये आपकी ये बात हम लोगों के लिए भी एक आ, आ, एक 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 मार्ग बनाएगी कि हम अब डॉक्टर नरेंद्र मोहन को कैसे, किस रूप में देखते हैं, उनका जो लिखा हुआ है और खास करके नाटक, हम यहाँ नाटक की बात कर रहे हैं, तो नाटकों को हम कैसे रीडिस्कवर करेंगे।
हम एक एक्टर के रूप में मैं उसको कैसे रीडिस्कवर करूंगी, एक डायरेक्टर के रूप में विकल जी उसे कैसे रीडिस्कवर करेंगे, एक स्कॉलर के रूप में डॉक्टर वसुधा सहस्त्रबुद्धे उसे कैसे रीडिस्कवर करेंगे, इन्हीं बातों को जानने के लिए। और वसुधा सहस्त्रबुद्धे जी से इनका जो राब्ता था, जो संपर्क थे, और जो काम और जिस प्रोजेक्ट के साथ ये लोग आपस में बातचीत इनकी लंबी लंबी होती थी, और किस तरह से दोनों एक दूसरे के काम में सहायक होते थे, मैं इन सब बातों के लिए डॉक्टर वसुधा सहस्त्रबुद्धे को आमंत्रित करती हूँ। कि हम लोग डॉक्टर विनय के जरिए एक दूसरे से मिले थे, और वो था अभंग गाथा, उनका जो नाटक है उसके बारे में चर्चा कर रहे थे। मुझे लगता है बारामती के सेमिनार में हम लोग मिले थे, और वहाँ पर चर्चा हुई थी। सर ने मुझे बोला था कि उसे पढ़ो और उस पर बात करो। वामन केंद्रे तब इस तरह के नाटकों में जुड़े हुए थे, लेकिन वो कुछ सफल नहीं हुआ। हम लोगों ने ट्राई किया, बात भी हुई और बहुत कुछ, लेकिन वो पीछे रह गया। और बीच में बहुत एक ऐसा पीरियड चला गया कि हम लोगों का संपर्क भी नहीं रहा। लेकिन औरंगाबाद में हम लोग मिले, मुझे लगता है 2008 या 2010 में हम लोग मिले थे, और उसके बाद लगातार अब 15 दिन पहले ही हम लोगों ने बात की थी कि मैंने असलम परवेज के पत्रों का जो मंटो की अनुवाद किया है सर, वो कंप्लीट हो गया है, और आपकी जो तीसरी डायरी है वो भी पूरी हो गई है, और वो भी प्रकाशक के पास गई है। सर इतने खुश हुए थे, और इसलिए सर को दिखाने के लिए मैंने एक छोटा सा वीडियो बनाया था कि मैं दो पत्र मैंने उनके लिए वीडियो बनाकर कि जब सर अब घर आ जाएंगे तब मैं उनको भेज दूंगी कि देखिए सर मैंने इस तरह से भी लोगों तक ये खत पहुंचाए हैं। लेकिन पता नहीं क्या सब कुछ हो गया। तो जब हम लोग औरंगाबाद में मिले तब वहां पर मंच अंधेरे में नाटक का वहां की मंगला जी है उन्होंने अनुवाद किया था, तो उसका भी विमोचन सर के हाथों होने वाला था। तो फिर मंगला जी ने मुझे भी बुलाया और हम दोनों ने मिलकर उसका पाठ किया। फिर उसके बाद विमोचन हुआ, उसी समय अंबर हफ्शी का भी सर ने पाठ वहां पर किया था, और मैं इतनी खुश हो गई थी कि इतने सालों बाद सर मिले हैं, और ये लगातार सब हम लोग कार्यक्रम कर रहे हैं, उनके साथ बात हो रही है, और तभी सर ने मुझे मंटो जिंदा है की कॉपी दे दी और कहा वसुधा इसको तुम्हें मराठी में करना है। और जब मैं वो किताब पढ़ने लगी, और बहुत बहुत कठिन लग रहा था क्योंकि एक तो उसमें उर्दू का माहौल था पूरा, वो कल्चर से ही मेरा परिचय नहीं था, कितने सारे शब्द, कितना ऐतिहासिक दस्तावेज, लेकिन उसके लिए सर ने कभी भी मुझे ऐसा नहीं कहा कि ठीक है वसुधा छोड़ दो, आप विश्वास नहीं करेंगे, मैंने एक आवारगी शब्द को लेकर सर को इतना इतनी तकलीफ दी थी कि सर इस पृष्ठ पर इसके लिए उन्होंने इस शब्द का इस्तेमाल किया है, इस पृष्ठ पर इस प्रसंग में, और सर ने बहुत शांति से मेरा समाधान किया था, और फिर वो हमारा अनुवाद का काम हुआ था। सर बम्बई जब आए थे अमित जी के घर, तब मैं ठाणे से उनके पास सुबह 10:30-11 बजे जाती थी, और फिर हमारा 1-1.5 बजे तक काम होता था, फिर वहां मैं खाना खाती थी, फिर 1-2 घंटे बातें होती थी, इतना मीन्स एकदम एक एक शब्द को लेकर, और उनकी उनको खुशी होती थी कि जब तक तुम्हें ये शब्द का अर्थ या उस प्रसंग का अर्थ समझ में नहीं आ रहा है तब तक तुम उसे अपने मराठी भाषा में नहीं उतारोगी। तो इस तरह से एक मुझे इस यात्रा में समझ आई कि किस तरह से उर्दू भाषा का जो एक पूरा कल्चर है उसके साथ जुड़कर काम करना चाहिए, और फिर उसके बाद ये लगातार शुरू हो गया, और बहुत मीन्स 104 कहानियों का मैंने अनुवाद किया। मैंने पहले 20-25 कहानियों का अनुवाद किया, और सर को मैंने कहा सर बस हो गया, ये बहुत मेरे लिए मुश्किल होता है, हर कहानी का अनुवाद करते समय मुझे तकलीफ होती है। तो सर बोले कि यही तकलीफ लोगों तक तो पहुंचानी है वसुधा, और इतने प्यार से अभी भी वो उनका मेरे साथ बोलना और हेलो वसुधा
ऐसे इतने प्यार से मुस्कुराते हुए आवाज देना, अभी भी मुझे लगता है वो संबोधन मैं कभी नहीं भूलूंगी। जब कभी नर्वस हो जाती हूँ तो वो कान में मुझे आवाज सुनाई देती है और मैं फिर से अपना काम कर सकती हूँ। तो इसके बाद अब मंटो की बात जब हो रही थी तो इसका अनुवाद हुआ, और एक शख्स थे शोभणे, रविंद्र शोभणे, और उन्होंने चित्रा मुद्गल की आवा का अनुवाद मेरा पढ़ा था। तो मुझे ढूंढते हुए वो बम्बई में आ गए और फिर उन्होंने इस तरह से बात की कि आप क्या कर रही हो। और तो मैंने कहा मैंने इस तरह से किया है ये अनुवाद, लेकिन अभी मुझे प्रकाशक ढूंढना है। तो बोले चलो मैं ले जाता हूँ इसको नागपुर, एंड नागपुर से विजय प्रकाशन का रिश्ता बन गया। विजय प्रकाशन ने तो मुझे ऐसे कहा कि मैडम अब मुझे 1500 पृष्ठों की मंटो की पूरी जो यात्रा है, साहित्य है, समग्र साहित्य मुझे चाहिए जो मैं मराठी लोगों को दे सकूं। इस तरह से ये, और इसके लिए फिर सर के साथ जो विभाजी से मैं बोल रही थी कि लगातार हमारी बात मंटो के सिवाय, हम दोनों इतने एकाकार हो गए थे मंटो को लेकर। एंड दूसरा ये भी हुआ कि प्रतीक्षा मंटो की जो सर की किताब थी उसमें तो उन्होंने मंटो के साहित्य और व्यक्तित्व को लेकर, तो मुझे मंटो को समझने के लिए उस किताब ने बहुत मदद की। और फिर उसके बाद हमारे मराठी एक ग्रुप बन गया, बच्चे आ गए मेरे पास और फिर अभिवाचन शुरू हुआ। सर ने, आप विश्वास नहीं करेंगे, तीनों समय प्रकाशन में सर मौजूद थे। मैं तो इतनी भाग्यवान हूँ कि दिल्ली से वो यहाँ पहुँचते थे। पहला मेरा प्रकाशन नागपुर में हुआ, दूसरा ठाणे में, और तीसरा मेरे घर में हुआ। और तब बच्चों ने मंटो की औरत एक सोलो परफॉर्म करके दिखाया था, वेदराही भी थे और तब विकल जी भी थे, और इतने सर खुश हुए, बोले कि क्या कमाल है तुम्हारी, तुम्हारा इतना थिएटर का सुंदर ग्रुप है और तुम ये सब इस तरह से कहानियों का अभिवाचन करके लोगों तक पहुंचा रही हो, और ये सब सब कुछ चल रहा था। और इसके दरम्यान विकल जी का मंच अंधेरे में मैंने काला घोड़ा में देखा, और उन्होंने मंटो जिंदा है का भी जो नाट्यकरण किया था उसको भी मैंने देखा, और तब सर के साथ बहुत चर्चा हुई। तो सर बोले सिर्फ बोल क्यों रही हो, उसको लिखो ना। तो फिर मैंने इन इन दोनों के बारे में लिखा और सर ने उसको छपवाया भी, और इस तरह से मुझे प्रोत्साहित करते रहते थे कि अगर नाटक में तुम्हें इंटरेस्ट है तो उसके साथ जुड़ी रहो। फिर मैंने वो प्रोजेक्ट किया, उसके लिए भी उन्होंने मेरी मदद की। जम्मू में गई तो रजनी बाला ने मेरी वहां पर मदद की, और इस तरह से उसके बाद सोमैया कॉलेज थ्रू सतीश पांडे, हमारे वहाँ के विभागाध्यक्ष, उनसे मैंने कहा कि सर ने इतना काम किया है नाटक और लंबी कविता और आलोचना, तो क्यों ना हम उन पर एक विशेषांक निकाले। तो वो सृजन, उनका जो सृजन संदर्भ नाम का एक मैगजीन था, हमने उसके लिए भी काम किया, सर ने उसके लिए भी मदद की। तो मुझे ऐसे लगता है कि मैं याद करूं तो ऐसे लगता है रोज कुछ हम नया करते थे और हम उसको साकार करते थे, ऐसा नहीं सिर्फ बातें होती थी। इसके बाद जब हम मस्तानी की कल्पना, एक नया रूप सर का मेरे सामने था कि जब यहाँ पर सर आए थे बम्बई में, तब सर ने कहा कि मस्तानी पर मुझे एक नया नाटक लिखना है। उनका ना, मुझे लगता है कि जब मैंने अंबर हफ्सी सुना तब मुझे लगा कि परिवार और राजनीति, इन दोनों को समांतर रूप से लेकर एक व्यक्ति किस तरह से लड़ता है, संघर्ष करता है, और तनाव में जीते हुए अपने परिवार के प्रति उसकी दृष्टि कैसे होती है। अब जैसे सुमन जी बता रही थी तो मैं महसूस कर रही थी कि किस तरह से सर भी इन दो स्तरों पर अपना काम करते होंगे, कि इतना काम, इतने लोगों के साथ लगाव, इतने लोगों को प्रोत्साहित करना, उनके काम को भी इस तरह से मीन्स उनकी पीठ थपथपाना। मुझे, मैं तो सर को वही बोलती थी कि सर इतना सा काम कर रही हूं मैं और आप है इतना विशाल काम कर रहे हैं उसको तो आप भूल रहे हैं और आप मेरी ही प्रशंसा कर रहे हैं जबकि मैंने कुछ नहीं किया है।
तो सर बोलते थे कि तुम्हें नहीं मालूम तुम क्या कर रही हो और कितना कर रही हो। तो इसके दरमियान वो मस्तानी को लेकर हमारी चर्चा होती थी कि उसका एक सामाजिक कार्य का जो भाग था और किस तरह से वो राजनीति में भी बाजीराव के साथ किस तरह से शरीक होती थी, उसके अपने संस्कार, उसकी कृष्ण के प्रति निष्ठा और इन सब बातों को लेकर उसका जो एक तेजस्वी रूप था, मुझे लगता है कि सर को उसके ऊपर इन दोनों को बांध कर नाटक लिखना था। लेकिन उसके साथ सर के मन में शिवाजी ने घर कर दिया था, तो शिवाजी को लेकर तो सर मुझे बोले कि वसुधा मुझे ऐसे पत्र चाहिए कि जो उनके परिवार के लोगों को उन्होंने लिखे होंगे, क्योंकि उनका उन्होंने राजकीय रूप उनका पूरा देखा था, अपनी जनता के प्रति, अपनी आवाम के प्रति उनका जो समर्पण था, प्रेम था, उनके लिए उनका जो एक शिद्दत के साथ काम कर रहे थे, तो उनको लग रहा था कि उनका जो परिवार इतना बड़ा था, उनकी साथ साथ रानियां थी, उनकी माँ थी, संभाजी जैसा तेजस्वी बेटा था, तो इन लोगों के लिए क्योंकि वो एक बार मुहिम के लिए जाते थे तो एक एक साल तक वापस लौट के नहीं आते थे, ये लोग उनके साथ उनकी विरह में रहते थे, उनका इंतजार करते रहते थे, तो इसके लिए उन्होंने किस तरह के पत्र लिखे होंगे। फिर मैंने लाइब्रेरी में गई और वहाँ ढूंढा, हमारे एक मित्र है भालचंद्र कुबल, उन्होंने भी मुझे एक किताब दे दी, लेकिन सभी पत्र दरबार की भाषा में लिखे हुए और वही काम के कि किसी को उन्होंने मदद की है, किसी मस्जिद के लिए पैसे दिए हैं, वहां पर दिया लगाने के लिए, जिस तरह उन्होंने मंदिर की व्यवस्था की, मंदिर के लिए उन्होंने अपनी पूरी जिम्मेदारी उठाई, उसी तरह से उन्होंने मस्जिद के लिए भी काम किया। मुझे लगता है कि मलिक अंबर का जब उन्होंने नाटक लिखा है तो इन दोनों के कुछ समान स्तर मुझे दिखाई देते हैं कि वहाँ पर भी उन्होंने धर्म, भाषा और देश से परे, क्योंकि वो एक गुलाम बनकर आए थे और उन्होंने इतना अच्छा काम यहाँ के देशवासियों के लिए किया, तब उनके मन में किस तरह की इच्छा थी, किस तरह के लोगों के प्रति उनका प्रेम था, उसी तरह शिवाजी ने भी कभी भी धर्म को लेकर अपना झंडा नहीं गाड़ा। जो दलित थे, जो शोषित थे, उनके प्रति उनके मन में बहुत प्रेम था और उन सब के लिए वे अपना काम करते थे। और एक मैंने जब ये तीसरी डायरी उनकी अनुवाद कर रही थी तो उसमें मैंने एक रेफरेंस देखा था कि औरंगाबाद की यूनिवर्सिटी में उन्होंने एक सेमिनार में शिवाजी पर उन्होंने भाषण किया था और तब मुझे एक बहुत ही विशेष लगा कि जो आदमी कहाँ पंजाब से हैं कि उनके मन में कितना जम्मू कश्मीर के लिए प्रेम है और यहाँ आकर महाराष्ट्र में उन्होंने किस तरह से अभंग गाथा लिखी है। जब तक एक किसी कैरेक्टर के बारे में हम नाटक लिखते हैं तो उन प्रसंगों को गुनने के लिए उसकी गहराई तक जब पहुँचेंगे तब हम उनके जिंदगी के प्रसंगों को समझ सकेंगे और उसमें से, क्योंकि नाटक में अभी जब जैसे विभाजी बोल रही थी कि मुंह का जो उनका मुंह मौन है, जो सब टेक्स्ट है, उसको हमें मुखरित करना है, तो वो कब मिलेगा ये सब टेक्स्ट, जब तक वो उस गहराई तक नहीं उतरते, हर बात को वो नहीं समझते और उस समाज का जो जिक्र उन्होंने किया है, उस समाज का उनके प्रति कैसे रवैया था, उनका समाज का दृष्टिकोण उनके प्रति कैसे था, ये जब तक उनकी समझ में नहीं आता तब तक वो नहीं कर सकते। और इसीलिए अभंग गाथा भी उन्होंने जो लिखा तो उसके लिए तो वो तुका लिखते हैं, जो मुझे बहुत अच्छा लगा कि हम भी तुका झाला से कलश, ऐसा हम कहते हैं कि कलश मीन्स वो शिखर तक पहुंच गया है, तो तुका मीन्स अपना अपना व्यक्ति जिसको हम अपने साथ जोड़कर उसको देख सकते हैं। तो इस तरह से सर ने उसकी बहनाबाई पर भी उन्होंने लिखा है, तो मुझे लगता है सर महाराष्ट्र के साथ इतने एकाकार हो गए थे कि
ऐसा नहीं था कि औरंगाबाद आते हैं और बस बातें करके चले जाते हैं, ऐसा नहीं था। एक एक ऐसा लगता है कि यहाँ की ईंट के साथ जुड़े हुए थे, इतिहास के साथ, यहाँ के साहित्य के साथ बहुत ही नजदीकी से उनका प्रेम था। मैं आपको एक चार लाइन शिवाजी के भाषण की सुनाती हूँ, फिर आपको पता चलेगा कि उनका शिवाजी के साथ कैसे रिश्ता था। साधारण जन और किसानों के प्रति उनकी संवेदनशीलता देखने लायक है। हिंदू राजा होने के बावजूद शिवाजी केवल हिंदुओं के राजा नहीं थे, समस्त प्रजा के राजा थे। हिंदू और मुसलमानों दोनों के हमदर्द थे। हिंदू और मुसलमान दोनों ने, समाज के हर वर्ग ने उनके स्वाधीनता के सपने को साकार करने के लिए तमाम जोखिम उठाए। शिवाजी ने राज्य को अपनी नहीं, जनता की धरोहर समझा और लोगों ने भी अपना सब कुछ राज्य के लिए शिवाजी को सौंप दिया। इससे बड़ा स्वराज क्या होगा कि लोग उनके संघर्ष का और लोगों के संघर्ष का हिस्सा बन गए। सिविल अथॉरिटी, नागरिक प्रजा सत्ता स्थापित की थी, फौजी सत्ता से कहीं अधिक मुल्की सिविल सत्ता, राज सत्ता से अधिक विचार सत्ता। इससे बड़ा लोकतांत्रिक अनुरोध क्या हो सकता है? शायद इसीलिए समर्थ रामदास ने उन्हें शिव कल्पना राजा कहा है। अब मैं आती हूँ अंत में इस कार्यक्रम को एक और उस रूप में ले जाने के लिए आर.एस. विकल जी के साथ, कि विकल जी ने इनके कई नाटक किए, मंच अंधेरे में और मिस्टर जिन्ना तो किया ही, शर्मिलाई रोम कविता का भी मंचन इन्होंने किया। मैं खास तौर से मैं इस पे सिर्फ मिस्टर जिन्ना पर केंद्रित करती हूँ। मिस्टर जिन्ना में चार इंटेलेक्चुअल कैरेक्टर हैं, चारों बहुत बड़े कैरेक्टर हैं, गांधी, जिन्ना, फातिमा और दीना। तो जब एक डायरेक्टर जब एक नाटक, और उसमें भी वो इतना एक तरीके से हम कह लें कि वैचारिक नाटक, राजनीतिक नाटक, मूल्यपरक नाटक उठाता है और आप जैसे लोग उठाते हैं, तो आपने इसके इसकी कास्टिंग, हम फिल्मी भाषा में बोले तो इसकी कास्टिंग कैसे आपने की? और दूसरे मैं आपसे ये भी जानना चाहूंगी और क्या क्या दिक्कतें आई, क्या क्या सहयोग मिला, क्या क्या असहयोग मिला, इन सब सारी चीजों की अगर जानकारी आप हमें देंगे तो मुझे लगता है कि हम उनके नाटक को और डिकोड, और खास तौर से मिस्टर जिन्ना को और डिकोड कर पाएंगे। विकल जी, ये तो मैंने सुनी लिया था कि दिल्ली में इसको बैन किया गया है। जब डॉक्टर साहब यहाँ आए तो मैं यहाँ माहडा में रहा करता था, जब अंधेरी माहडा में, तो वहां डॉक्टर साहब आए और मुझे वो स्क्रिप्ट दी कि यहाँ जिन्ना करो। मुझे था तो सही ये दिमाग में कि यार ये कंट्रोवर्शियल नाटक है और जब दिल्ली में बैन हो सकता है तो यहाँ उसके बैन होने की कई गुना ज्यादा संभावना है। पृष्ठभूमि आप समझ ही जाएंगे मेरी, मुझे कहने की जरूरत नहीं है। खैर, मैं मुझे फिर भी उन्होंने नाटक दिया, मैंने पढ़ा और कुछ लोगों के साथ रीडिंग शुरू कर दी। तो डॉक्टर साहब एक बार आके चले गए थे, हम अभ्यास करते रहे, डॉक्टर साहब दोबारा आए थे, फिर उनसे बड़ी गहन चर्चा हुई। और इस बात का मुझे कहीं ऐसा नहीं लगा कि ऐसी कोई बात है कि इसको बैन कर दिया जाए, क्योंकि इसमें पूरा हिस्टोरिकल प्रोस्पेक्टिव से ज्यादा जिन्ना की साइकी है और जिन्ना की साइकी को उन्होंने बड़े यथार्थ रूप में रखा है और वो हमारे पास हिस्ट्री में और सब किताब में ऑलरेडी है। तो थोड़ा सा मुझे लगा कि डरना नहीं चाहिए, अपनी बात कहने के लिए हम ये नाटक करेंगे। और साथियों के साथ भी चर्चा हुई और सभी ने तय किया कि नाटक करेंगे। अब मैं इस बात पे आता हूं कि चुनाव कैसे किया हमने पात्रों का। अब ये तय था कि इसमें, इस साइकी में कई बार आपकी देश, काल, पात्र और परिस्थितियों में चारों का एक संतुलन होता है नाटक में। कई बार पात्रों से के माध्यम से नाटक आगे बढ़ता है, तो कई बार परिस्थितियों को ज्यादा
तवज्जो दी जाती है। जब मैंने देखा इस नाटक में पात्रों की साइकी का खेल है और पात्रों के माध्यम से नाटक आगे बढ़ रहा है, अगर एक्टर उस तरह का नहीं हुआ तो नाटक आगे बढ़ ही नहीं पाएगा। अब जैसे कि जब जिन्ना हाथ धो रहा होता है तो उस हाथ धोने में वो कितनी बड़ी बात, इस समय मेरे सामने स्क्रिप्ट नहीं है लेकिन उसका इतना बड़ा मोनोलॉग, वो कहते हैं कि अगर करीम कासिम आ जाए तो मेरे हाथ धोने का मजाक उड़ाए, वो कहेगा कि हाथ जो है खून से सने होंगे इसलिए धो रहे हैं। तो उसी बातचीत में इतनी बड़ी बात वो कह गए कि लोग उन कत्लों का भी इल्जाम मुझ पर लगा रहे हैं जो मैंने किए ही नहीं। तो इस तरह जहां नाटक में अभिधा व्यंजना लक्षणा ऐसे पलटी मारते हों तो साधारण अभिनेता का काम तो है नहीं उसको समझना। तो इसीलिए बड़ा सतर्कता से चुनाव किया। विभाजी का फातिमा के लिए हर्ष हैं, कभी काबी पढ़ते हैं लिखते हैं, मतलब पढ़ने लिखने वाले वे लोग जो साहित्य इतिहास और राजनीति तीनों से ठीक ठाक परिचित हों। तो विभाजी तो हैं ही, हर्ष जी भी थे। अब जिन्ना के लिए बात थी, इसमें कई बार बहुत लोगों ने मुझसे बहस भी की, सुझाया भी, समझाया भी। डॉक्टर साहब तो बड़े सुनते थे, समझते थे और बहुत सटीक हल्का सा सॉफ्ट एक रिएक्शन देते थे। तो उनसे भी इस बारे में जब वो दूसरी बार आए तो बात हुई कि जिन्ना कौन करे। कई बार आता था कि हर्ष जिन्ना करे, क्योंकि जिन्ना के साथ जैसा है कि वो शेक्सपियर एंड थिएटर से जुड़ा हुआ था, उसकी बोलने का अंदाज, और नाटक करने से पहले जब मेरे दो तीन किताबें और जिन्ना पे हैं वो भी मैंने मंगाई, उनमें भी ये बात इस बात का बड़ा पुख्ताई से जिक्र है कि वो जब कोर्ट में बोलते थे तो एक एक शब्द ऐसा होता था कि जज और दूसरे वकील उन सब के जहन में ऐसे जिन्ना उतार देते थे अपने शब्द। तो इस मामले में हर्ष हमारे बीच सुन रहे हो तो कह नहीं सकता, उनको हम जोड़ नहीं पाए, शायद मैसेज भी नहीं दे पाए। उनका इस मामले में स्पीच को लेकर एक काफी अच्छा, उनकी वॉइस कल्चर भी बहुत अच्छा था और वो स्पीच को बहुत अच्छे ढंग से समझकर बोलते भी थे, विचार टूटता नहीं था। लेकिन गांधी के लिए हर्ष बहुत उपयुक्त थे। इस नाटक में गांधी का एक ही दृश्य है शायद, जहां तक मैं समझता हूं, और हमको जो हमारा डिजाइन था, हमको गांधी को पूरे उसमें रखना था। तो गांधी हमें पूरे बॉडी लैंग्वेज को जो समझता हो और बॉडी लैंग्वेज क्रिएट कर सके, ऐसा गांधी चाहिए था। और वो विभाजी आपने तो गवाह हैं ही उसकी, डॉक्टर साहब भी गवाह हैं, देख रहे होंगे, समझ रहे होंगे, हर्ष ने बखूबी गांधी को निभाया। और शूरवीर बेशक फिजिकली उतने फिट नहीं थे, तो मेरी नाटक को लेके जो डिजाइन की अवधारणा और मेरी अपनी अवधारणा भी उस तरह की नहीं है, इसलिए मैंने शूरवीर को भी जिन्ना दिया, क्योंकि समझ और स्पीच दोनों के स्तर पर वो अच्छा है। तो इस तरह चुनाव हुआ। अब पात्रों के साथ साथ, क्योंकि इससे कड़ी जुड़ गई है और मुझे याद भी आ गया, लिंक हो गया है कि डिजाइन कैसा था नाटक का, तो जब जब जिसमें शूरवीर जो पतले दुबले नहीं थे, जिनके फिजिक ठीक ठाक है, उनको जिन्ना कैसे खपाया जाए, खपाने वाला शब्द मैंने गलत इस्तेमाल किया, मेरे लगभग डिजाइनों में रियलिज्म को तोड़ के और रियलिज्म को में और अर्थ पैदा करने के लिए सम्मोहन के एलिमेंट को जितना कम किया जाए उतना अच्छा है। तो उसके लिए अलग अलग तरीके से हर नाटक में हम प्रयोग करते रहे। तो जिन्ना में हमने प्रयोग किया कि सभी के पास कॉमन कॉस्ट्यूम होगा, हम उस तरह से आभास नहीं दिलाएंगे शारीरिक विन्यास या पोशाक के माध्यम से, जो बात कही जा रही है वहां तक दर्शक पहुंचे, जो ब्रेक्स की भी शैली रही है,
आप हम अभिनेता में से ट्रांसपेरेंट होकर चरित्र को समझिए। अभिनेता ही चरित्र नहीं है, अभिनेता उस चरित्र को आपके सामने केवल स्वरूप के रूप में आपके सामने नहीं रख रहा है, जबकि उसके तमाम और भी शरीर हैं, उसके आंतरिक शरीर भी आपके सामने होने चाहिए और उसकी कोशिश दर्शक को भी करनी होगी। तो इस डिजाइन में शूरवीर का चयन सफल रहा और सभी नाटकों में उसने बखूबी निभाया। मुझे याद है कि हालांकि हम इन्वॉल्वमेंट थ्योरी को पसंद नहीं करते, तो खुद जो गांधी बने हुए थे हर्ष, वो कहने लगे कि जब जो शव यात्रा का दृश्य है जिन्ना का, उस समय मेरे आंसू भर आए, आंख भर आई। मैंने कहा हम तो इस स्तर पे आने नहीं देते नाटक को कि हम भावना में दर्शक को बहाएं, हम उससे थोड़ा पहले ही उसको विचार की तरफ धकेलने की कोशिश करते हैं। तो इसका मतलब है कि वो उसने उसे बखूबी निभाया। और फातिमा तो बिल्कुल ही चर्चा में आई गई थी कि भाई फातिमा, अब हमें लग रहा है कि फातिमा ऐसी ही होंगी। तो इस तरह से पात्रों का चयन हुआ और फिर नाटक हुआ। वो आपने जो रोने का प्रसंग और हर्ष जी के रोने के प्रसंग की बात की, तो मुझे भी याद आया कि जब हम काला घोड़ा में कर रहे थे, और जो काला घोड़ा फेस्टिवल में जिन्ना मिस्टर जिन्ना कर रहे थे, और उस समय मुझे बहुत तेज खांसी थी, बहुत तेज खांसी, और वो कफ सिरप और गर्म पानी और वो सब सारी चीजें जो है वो सब कुछ नहीं। और जो लास्ट मैंने आपसे पूछा था कि वो खांसी, क्योंकि खांसने का मतलब है कि एक्टर का कैरेक्टर से निकल जाना, और वो नाटक ऐसा नहीं था कि जिसमें आप खांस सके या हंस सके या मतलब उस तरह से कोई ऐसी चीज जो डिजाइन के बाहर की चीज हो। लेकिन हर में तो मैंने किसी तरीके से मैनेज किया, लेकिन अंत तक आते आते जब वो मिस्टर जब जो जिन्ना की बात चल रही है, जिन्ना का और डॉक्टर डॉक्टर डनहम आई थिंक शायद वो थे, तो वो उस समय जो लास्ट सीन चल रहा है उनकी मृत्यु के पहले का, और इधर फातिमा को रोना है, मतलब फातिमा रो रही है, और अब वो और मैं जो खांसी इतनी तेज आ रही थी कि मैं खांसी रोकने के क्रम में वो इस तरीके से कफस भरी आवाज वो आ रही थी कि सारे दर्शक चौंक गए, उनको लग रहा था कि सच में कहीं कुछ हो रहा है। ये तो इस तरह की जो चीजें होती है ना कि आप कर कुछ और रहे हैं, हो कुछ और रहा है, लेकिन वो बड़ा एप्ट चला जाता है कभी कभी नाटक में, तो नाटक के साथ वो बड़ा एप्ट चला गया था। आपने जब शर्मिला हीरोम किया तो क्या आपके जहन में था उसको करते हुए, और उसको डिजाइन आपने कैसे किया कि उनकी कविता कविता न रह करके एक पूरी की पूरी प्रस्तुति बन गई। डॉक्टर साहब की लंबी कविताओं में नाटक छुपा हुआ है, अब भरपूर नाटक है तो उसमें पूरा एक नाटक है, तो इस तरह से मुझे उसे करने में बिल्कुल नाटक जैसे ही बिंब मिले और उसी तरह से उसका उस तरह से डिजाइन भी हुआ। और उसमें बिल्कुल केंद्र में शर्मिला हीरोम है और इर्द गिर्द पूरी सत्ता और सत्ता के साथ विचारधाराओं का भी जमा वो है उसमें, आपको संकेत मिलते हैं, तो उनको मैंने अलग अलग से पर्सोनिफाइड करने की कोशिश की। और डॉक्टर साहब की यादें हमारे साथ बनी रहेंगी, और मेरे ख्याल से शायद ही कोई ऐसा इंसान हो जो उनसे मिला हो और उनके व्यक्तित्व, उनके स्वभाव और उनके लेखन का कायल ना हुआ। ताकि जब हमने अपने ही घर में अवितोको रूम थिएटर को करना शुरू किया था, और उसमें हमने जब मंटो पर आधारित एक 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 एपिसोड को किया था, एक कार्यक्रम को, और उसमें डॉक्टर साहब आए हुए थे, डॉक्टर साहब को हमने बुलाया था। मुझे अभी भी याद है कि हम हमेशा कहते हैं कि बॉम्बे में हॉल नहीं होता, बॉम्बे में होल होता है। तो उस होल नुमा हॉल में जहाँ 60-70 लोग, जहाँ 30-35 लोगों के बदले 60-70 लोग वहां उस दिन डॉक्टर साहब को सुनने और मंटो पर आधारित उस कार्यक्रम को देखने आए थे, और मुझे अभी भी याद है, और मैं अभी भी संकोच से गड़ जाती हूँ कि उनको एक छोटी सी जगह पे एक बेंच, जो एक बेंच या कुछ कुर्सियां थी, उसमें फिर ऐसे होते 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 वो भी ऐसे दब करके उनको भी बैठना पड़ा था। लेकिन वो पूरे 1 घंटे का हमारे प्रोग्राम का हमारा ड्यूरेशन था, 2 घंटे का, 2 घंटे के बदले वो 3.5 घंटे चला, और सारे के सारे लोग वैसे ही बैठे रहे, इंक्लूडिंग डॉक्टर साहब। तो डॉक्टर साहब की अपनी एक शख्सियत थी, डॉक्टर साहब का अपना एक स्वभाव था,
और उनकी बातें थी और उनके उनके पास चूंकि इतना काम उन्होंने किया हुआ है कि उन कामों की यादों का सिलसिला अनवरत, अगर वो बोलना शुरू करें तो मुझे लगता है कि वो लगातार 10 दिनों तक बोलें फिर भी उनका व्याख्यान खत्म नहीं होता। छोटा सा और मेरा एक छोटा सा सवाल सुमन से है। सुमन, जी उनसे बातचीत में और कहीं दर्द भी है ये बात कि वो अंत में रोहित वेमुला पर कुछ काम कर रहे थे, क्या वो काम पूरा कर गए हैं या कुछ रह गया है वो? मुझे लगता है कविता तो कुछ है उनकी रोहित अच्छा वेमुला पे, जब मंच अंधेरे का कुरुक्षेत्र में मंचन हुआ था, हाँ तो याद है आपका इम्प्रोवाइजेशन प्रसंग ये है कि मैं खुद उसमें रंगनाथ बना हुआ था और हमने वहीं के किसी व्यक्ति को लाइट पे रखा था और वो फेड आउट कर ही नहीं रहा था और मैं कब तक इंतजार करूं, अपने अपने में स्टिल हूं, फ्रीज हूं, क्या करूं? तो मैंने उसे सिग्नल दिया, यही मंच अंधेरे में इस तरह से उसको, तो ना तो जैसे विभा आप कह रही हैं कि खांसी आई थी, तो ये हम कलाकारों के पास कुछ फॉर्मूले अपने आप बनते उपजते रहते हैं कि परिस्थितियों को कैसे संभाला जाए और किया जाए। जो अभी विभन जी ने कहा था द शो मस्ट गो ऑन, तो वसुधा जी विकल जी द शो मस्ट गो ऑन, एंड बिल्कुल बिल्कुल उनका भी यही कहना था हर स्थिति में पापा का द शो मस्ट गो ऑन। और आई थिंक रंगमंच की भाषा में ही हम आज रंगमंच रंगकर्मी की तरह उनको हम याद कर रहे हैं, तो रंगमंच की भाषा में ही जो विभा ने अभी कहा द शो मस्ट गो ऑन। है कि शो मस्ट गो ऑन, और इसी के लिए आज इतने पेंडेमिक के, इतने महामारी के समय में और इतने भीषण और ऐसे दुष्काल में जहां हमारा मन कहीं से उत्सुक और उत्साहित नहीं होता है कि हम कुछ करें, लेकिन एट द सेम टाइम द शो मस्ट गो ऑन, जो हमारे साथ हैं चाहे वो शरीर के साथ हैं या चाहे हमारे यादों के साथ हैं, वो हमारे साथ हैं और हमेशा बने रहेंगे, उनकी बातें हमारे लिए प्रेरणा है और उनके काम हमारे लिए एक टॉर्च का काम करते हैं कि हम उनसे सीखें, उनसे समझें और आगे बढ़ें। आप सब हमारे साथ बने हुए हैं और ये हमें इस बात का भरोसा और विश्वास दिलाता है कि हम जब तक हैं तब तक यह कायनात है, तब तक यह धरती है, और इस धरती पर हमारा विश्वास है और हमारी उम्मीदों का दिया है। आज के इस कार्यक्रम में आप सब आए, आप सबका बहुत बहुत आभार और धन्यवाद। चलते चलते आप सबके साथ मैं एक बात और साझा करना चाहूंगी, अगर आपको हमारे कार्यक्रम अच्छे लगते हैं, अगर आपको हमारे कार्यक्रम पसंद आते हैं, तो हमारे लिए इस कार्यक्रम के टाइटल में भी एक लिंक है बाय मी अ कॉफी, और कमेंट बॉक्स में भी हम उस लिंक को डाल देंगे। आप चाहें तो हमारे इस कार्यक्रम के लिए बाय मी अ कॉफी के ऐप पर जाकर के हमारे लिए कॉफी ले सकते हैं, कम से कम एक कॉफी, ज्यादा से ज्यादा अधिक कॉफी, और इस तरह से आप हमारे प्रयास को सपोर्ट कर सकते हैं अपना। आज के इस कार्यक्रम में हमारे साथ सुमन पंडित जी, डॉक्टर वसुधा सहस्त्रबुद्धे, डॉक्टर प्रताप सहगल और आरएस विकल जी, ये सब हमारे साथ रहे और इस कार्यक्रम को बहुत ही यादगार बनाया है, और कुछ दिनों के बाद हम इसे इस कार्यक्रम को आज के इस कार्यक्रम को हम YouTube पर भी डालेंगे और उस समय भी हम लिंक Facebook पर साझा करेंगे, अभी तो को रूम थिएटर के भी पेज पर साझा करेंगे, मैं अपने वॉल पर भी साझा करूंगी और हमारे सभी माननीयों को भी मैं लिंक साझा करूंगी। आप यूं ही हमारे साथ बने रहिए और हमारे साथ साथ उम्मीद, साहस और भरोसे का दीपक लेकर के आगे चलते रहें। समय बहुत विकराल है, लेकिन इस सब विकराल समय में ना अपना साहस खोना है और ना अपनी हिम्मत को तिलांजलि देनी है। हम सब एक साथ हैं और एक साथ बने रहें, यह संकट का समय भी जाएगा और अच्छे दिन भी आएंगे, सही मायने में अच्छे दिन आएंगे, और हम सब एक साथ फिर से इकट्ठे होकर के मिस्टर जिन्ना या मंच अंधेरे में या इस तरह के और भी जितने नाटक हैं उन नाटकों के साथ हम अपने समय बिताएंगे। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद, आभार, अपना ख्याल रखिएगा, नमस्कार।